दोस्तों, मैं आसाम ग्रामीण विकास बैंक में मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं नया जो ऐप आया है उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मनी ट्रांसफ़र कर नहीं पा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ मैं, देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब मैं बेनिफिशियरी ऐड करता हूँ, माय बीआरएस पे जाता हूँ। माय बीआरएस पे जाने के बाद ये देखिए पहले से मेरा 3 बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है, फिर भी मैं और एक नया कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर राइट साइड में देखिए प्लस ऐड न्यू बीआरएस, इसमें क्लिक करता हूँ। बैंक सिलेक्ट करता हूँ, फिर बैंक का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा पेटीएम का अकाउंट डाल देता हूँ। पेटीएम पेमेंट बैंक मेरा नाम डाल देता हूँ। ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ, IMPS सिलेक्ट करता हूँ और उसका IMPS कोड डाल देता हूँ। उसके बाद एड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मेरे ट्रांजेक्शन पिन पूछ रहा है, ट्रांजेक्शन पिन डाल देता हूँ मैं। फिर कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो गया है, अब जाके मैं इसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से बैंक चला जाता हूँ, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू ट्रांजेक्शन पे फिर से क्लिक करके देता हूँ। उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ, IMPS NEFT भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म अकाउंट, मेरा जो ग्रामीण बैंक का अकाउंट है उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद टू अकाउंट, टू अकाउंट मेरा पेटीएम बैंक सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर से कम क्लिक कर देता हूँ। देखिए मेरा रेफरेंस आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांसफर हो गया है। जस्ट
इस तरह से जाके